हेलो एवरीवन, पूजा ब्लॉग्स एंड रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 10 मिनट में बहुत ही टेस्टी लौकी की सब्ज़ी। जिसके लिए यहाँ मैंने एक गोल साइज़ की लौकी ले ली है, मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया है, एक लहसुन ले लिया है। यहाँ मैंने लौकी को पहले ही छील के मोटे टुकड़ों में कट करके 2 से 3 पानी से धो के रख लिया है। अब इसे हम प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगाने के लिए रख देंगे। लौकी को उबालते समय हमने नमक डाला है लौकी में, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधे गिलास से कम पानी लिया है। पानी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लौकी उबालते समय इसमें काफ़ी पानी होता है। गैस पे हमने प्रेशर कुकर रख दिया है और 2 सीटी आने तक वेट करते हैं। देखिए, 2 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। लौकी को हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। देखिए, लौकी कितने अच्छे से पक चुकी है और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो हमने निकाल लिया है और आगे सब्जी में यूज़ करेंगे। यहाँ हमने सब्जी बनाने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता थी वो तैयार कर ली है। प्याज को बारीक कट कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की कली को कद्दूकस कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली थी, जिसे मैं चीरा लगा दिया है। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। सूखे मसाले में 1 चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, चुटकी भर हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कलर वाला मसाला कश्मीरी 1/2 चम्मच से कम गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक लिया है। चलिए दोस्तों, रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम चेक कर लेते हैं गर्म हुआ या नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें जीरा अजवाइन डालेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज को हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है हल्का सा। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले को हमें पानी डाल के अच्छे से भूनना है 2 मिनट तक ढक के, ताकि मसाले का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। देखिए, मसाला हमारा कितने अच्छे से पक चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम लौकी डालेंगे। लौकी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, और 2 मिनट तक मसालों में अच्छे से ढक के भूनेंगे। लौकी हमारी अच्छे से भून चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमें नमक का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने उबालते समय नमक डाल दिया था। अब इसे हल्का हल्का मैश करेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी थिक बने। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर बचा था उसे हम डाल देंगे। आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हो, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पतली रखना है तो। धनिया डालेंगे और इसे 1 उबाल आने तक ढक के 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। हम चेक कर लेते हैं। देखिए, लौकी में कितने अच्छे से उबाल आ चुका है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। हमें थोड़ी सी ग्रेवी पतली लग रही है, तो इसे हम बिना ढके 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। लौकी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हम धनिया डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ करके प्लेट में हम सब्जी निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। इसे हमने हरी मिर्च के साथ और धनिया के साथ गार्निशिंग कर लिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और भी
बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मिलते हैं हम। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी है।